उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस को प्रदेश में मजबूत करने में लगी हुई हैं। इसी एजेंडे के तहत प्रियंका गांधी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं और लगातार लोगों से मिल रही हैं। आज प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का क्या एजेंडा होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर प्रतियोगी छात्र छात्राओं एवं विभिन्न भर्तियों से जुड़े युवाओं से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से योगी सरकार युवाओं से झूठे वादे कर रही है। नौकरियों का वादा कर साल साल तक भर्तियां नहीं निकाली जाती हैं और चुनाव आते ही ढेर सारी भर्तियां निकालती है और चुनावी वादे करती है भाजपा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का मुख्य मुद्दा युवाओं को रोजगार दिलाना ही होगा। यही आने वाले समय में कांग्रेस का एजेंडा रहेगा और कांग्रेस इसी एजेंडे के तहत युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आगे बढ़ेगी। जुड़े रहिए SBN News से। धन्यवाद।